नमस्कार फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो काफी महत्वपूर्ण वर्ड्स के बीच में डिफरेंस करना सीखेंगे। ये दो वर्ड्स है, वे है चाइल्डिश और दूसरा चाइल्डलाइक। चाइल्डिश और चाइल्डलाइक के बीच में डिफरेंस करने से पहले इन दोनों के बीच में थोड़ा सिमिलैरिटीज देख ले। दोनों ही शब्द हमारे एडजेक्टिव्स है, क्योंकि दोनों ही शब्दों में एडजेक्टिव सफिक्स का प्रयोग हुआ है। सफिक्स कहने का मतलब हो गया प्रत्यय। प्रत्यय उस शब्द खंड को कहते हैं जो किसी भी वर्ड के अंत में लग करके उसके मीनिंग में बदलाव ले आवे। तो यहाँ जो चाइल्डिश में जो एडजेक्टिव सफिक्स प्रयुक्त हुआ है वह है इश, और चाइल्डलाइक में जो एडजेक्टिव सफिक्स प्रयुक्त हुआ है वह है लाइक। हम लोग इश पर कई सारे शब्द बना सकते हैं जो कि एडजेक्टिव्स होंगे, जैसे कि आप ले सकते हैं एपिश को ले सकते हैं, ब्लैकिश को ले सकते हैं, येलोविश को ले सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम लोग लाइक पर भी कई सारे एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, जैसे गॉड लाइक हो गया, फादर लाइक हो गया, एप लाइक हो गया। तब ये दोनों ही शब्द हम लोग देख रहे हैं एडजेक्टिव्स है, क्योंकि इन दोनों ही शब्दों के अंत में एडजेक्टिव सफिक्स का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग जानते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों चाइल्डलिश जो वर्ड है वह नेगेटिव सेंस में प्रयुक्त होने वाला है, जैसे कि वह बहुत ही बचकाना हरकत करते रहता है। मतलब नेगेटिव सेंस में यदि आप इसे ले रहे हैं तब इसका मतलब यह हुआ कि ही बिहेव्स इन अ चाइल्डिश वे। वह इतना बड़ा हो गया है किंतु अभी भी बच्चे जैसा हरकत वो करता है। ही हैज बिकम ग्रोन अप येट ही बिहेव्स इन अ चाइल्डिश वे। यहाँ पर आप चाइल्डलाइक का प्रयोग कर देते हैं तब वह गलत हो जाएगा। अब हम लोग लेकर के चलते हैं चाइल्डलाइक को। चाइल्डलाइक जो शब्द है वह काफी पॉजिटिव सेंस में प्रयुक्त होने वाला है। आप एक फिल्म देखे होंगे कोई मिल गया, जिसमें ऋतिक रोशन बोले तो रोहित जो है वह बड़ा तो हो गया है किंतु उसका जो दिमाग है अभी भी बच्चे जैसा भोला भाला है, और काफी अट्रैक्टिव वे में उसका उसका जो है ना सो नेचर को लिया जाता है। तब कहेंगे कि रोहित बिहेवियर इज चाइल्डलाइक, ना कि चाइल्डिश आप वहां पर कहेंगे। तो ये रहा दोनों के बीच में डिफरेंस।